अब से 3 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि Redmi का जो अपडेट आया है, Redmi Note 8 का जो अपडेट आया है, उसके बाद आपकी जो चार्जिंग स्लो हो गई थी उसके रिगार्डिंग मैंने वो वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में मुझे कुछ कमेंट इस तरह के भी आ रहे थे कि मेरा क्विक चार्ज इनेबल नहीं हो रहा है, मतलब कि चार्जिंग इंसर्ट करने पर आपको क्विक चार्ज का जो आइकन था वो डबल आता था, वो सिंगल आ रहा है। इस तरह के कमेंट काफ़ी सारे मेरे आ रहे थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आज हम इसी का हल जानेंगे, आपको आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, कि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है या नहीं है मुझे कमेंट में बताना। मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो मैंने फिक्स कर ली है, तो देखिए इस वीडियो को। तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे हम अपनी चार्जर की पिन यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से चार्जिंग आने के बाद यही चलता रहता था, चार्जिंग भी बहुत स्लो हो रही थी और क्विक चार्ज यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा था। तो आप इसे कैसे फिक्स करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो मैंने फिक्स कर ली, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये जो चार्जर आप देखेंगे यहाँ पे, जो मेरा ये डाटा केबल है यहाँ पे इतना इंसर्ट है, यहाँ पे ये पूरा इंसर्ट यहाँ पे नहीं है। मैंने यहाँ पे लगाया, आधा इंसर्ट यहाँ पे किया, मतलब कि आप जैसे कभी चार्जर वगैरह लगाते होंगे खींचता होगा आप डाटा केबल, तो आपको करना क्या, मैंने ऐसे ही मैं इसे लगाता हूँ बोर्ड में, ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया। और यहाँ पर जब मैं देखूँगा अपने सेलफ़ोन में, तो सेलफ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विक चार्ज हमारा इनेबल नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, इस चार्जर को पहले तो आपका जो डाटा केबल है आपको चेक करना है कहीं से क्रैक तो नहीं है, या पिन आपकी आगे से दब तो नहीं गई है, जो ये हमारी पिन होती है ये वाली, ये दब तो नहीं गई है, या इसमें वाटर तो नहीं चला गया जिससे यहाँ पे जो कार्बन होता है वो कार्बन आ जाता है इसमें, तो आपको ये चेक करना है। तो हम सबसे पहले करना क्या, अपना चार्जर लेना है, चार्जर को मैं यहाँ से हटा के प्रॉपरली इसे दोबारा से लगाता हूँ। दोबारा लगाने के बाद मैं इसे इंसर्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे, और मैं अब अपना फ़ोन देखता हूँ चार्जिंग पर लगा के क्या यहाँ पे होता है हमारे साथ। तो मैंने यहाँ पे चार्जिंग इंसर्ट की और देखते हैं क्विक चार्ज हमारा इनेबल होता है या नहीं, और देख सकते हैं आप क्विक चार्ज यहाँ पे इनेबल हो गया है। तो आप अपना डाटा केबल की दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, मैं नहीं कहता कि हाँ ये अपडेट की यहाँ पे प्रॉब्लम है क्विक चार्ज की, क्योंकि ये तो अपना हार्डवेयर सपोर्ट करता है, तो हो भी सकता है कि अपडेट में कोई बग हो, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी। मैंने अपना पूरा डाटा केबल चेक किया, साफ़ किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया तो मेरा क्विक चार्ज यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे क्विक चार्ज इनेबल यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों आप भी अपने फ़ोन में चेक करके देख सकते हैं कि आपको यही प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे पास तो यही प्रॉब्लम फेस आ रही थी तो मैंने आपको बता दिया। आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है मुझे कमेंट में बताना, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं हुई है, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।